जी हाँ साथियों, मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल से आप लोगों के बीच में एक बार फिर से शुक्रवार के दिन मुखातिब हो रहा हूँ। और आज का शुक्रवार बहुत ही खुशियों भरा और मुकद्दस जुम्मा के रूप में हमारे सामने आया है। इसमें एक तो खुशी की बात यह है कि दिव्यांगम चैनल ने 3 दिसंबर को एक ऐसा स्लैब पार किया 4,000 घंटे के वॉच टाइम का और 1,000 सब्सक्राइबर के स्लैब को पार करके वो एक अपने ऐसे वजूद में आया है कि जहां से दिव्यांगम चैनल की पहचान बढ़ी है। और इस पहचान को बढ़ाने में किसी और का, किसी भी बाहरी तत्व का कहीं से कोई योगदान नहीं रहा। इसमें मेहनत रही है दिव्यांगम चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय विष्णुकांत मिश्र जी की, इसमें मेहनत रही है बेस्ट मोटिवेटर्स के रूप में हमारी बड़ी बहन सुधा सिंह जी की, हमारे बेस्ट मोटिवेटर्स के रूप में हमारे भाई रिजवान मंसूरी की और तमाम वो साथीगण जो समय समय पर अपने विचार एक अच्छे मोटिवेटर के रूप में रखते रहे हैं, जिसमें हमारी प्रेरणा के स्रोत हमारे भाई पी के वर्मा जी और विजेता एपिसोड के प्रमुख आदरणीय अशोक जी, जिनके जीवन से कुछ सीखने को दिव्यांगम चैनल के माध्यम से आम जनता को मिला, समाज के आम विकलांग जन को मिला। और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र अगर कोई है तो वो है केवल और केवल आप। बिल्कुल सही आपने सुना, जी हाँ, केवल और केवल आप, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये उपलब्धि संभव नहीं थी। जी हाँ साथियों, आज लगभग 1700 सब्सक्राइबर हमारे साथ हैं और हमारे साथ लगभग 70,000 हमारे व्यूअर्स, जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। और आप सभी साथियों के एक प्यार, एक मोहब्बत के सहारे, जो समय समय पर हमको कमेंट्स के रूप में भी मिलते रहते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि दिव्यांगम चैनल आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। इस लोकप्रियता और इस उपलब्धि के बाद हमारे ऊपर दारोमदार और बढ़ा है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ी है कि हम आपके बीच में सही जानकारी, अच्छी जानकारी, मनोरंजक तथ्य और साथ में कुछ सीखने योग्य बातें ला सकें। साथियों, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री विष्णुकांत मिश्र जी, जो कि हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के गस्टेड ऑफिसर रहे हैं, इन साहब के आज इतना जोश है कि ये केवल दिव्यांगम चैनल पर नहीं सक्रिय हैं, इन्होंने अभी आज ही की तारीख में, जी हाँ साथियों, आज 16 दिसंबर है, आज विजयी पर्व पूरा देश मना रहा है, और इसी विजयी पर्व के बीच में एक विजेता के रूप में आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्र जी एक खबर लेकर के आपके बीच में आए हैं। और वो खबर ऐसी है कि उसको सुन के कम सूबे के विकलांग, जी हाँ साहब, सूबे यानी उत्तर प्रदेश के विकलांग जन जरूर हर्ष से, खुशी से मस्त हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, अभी हाल ही में हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट का एक प्रतिनिधि मंडल भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है, उसके विकलांग प्रकोष्ठ के साथ सीतापुर में एक सेमिनार में मिले थे। उस सेमिनार में मैं स्वयं भी मौजूद था और उस सेमिनार में आदरणीय अध्यक्ष जी श्री विष्णुकांत मिश्र जी ने एक मांग पत्र सत्ता पक्ष को दिया था। उस मांग पत्र में आदरणीय मिश्रा जी ने मांग की थी कि ये 500 रुपये जो विकलांगजनों को एक पेंशन के रूप में मिल रहा है, ये बहुत ही कम है, इसको या तो बंद कर दिया जाए या इसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। तो सरकार ने दूसरे तथ्य पर ध्यान दिया और आज इस विजयी पर्व के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ आदित्यनाथ योगी जी ने आज एक घोषणा करी कि दिव्यांग जनों की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा करके 1,000 रुपया कर दी जाए। जी हाँ साथियों, ये आज एक खुशी का दिन है, मगर आज एक जिम्मेदारी का दिन भी आम विकलांगजन के लिए है,
कि इस पेंशन के पात्र जो निराश्रित भरण पोषण करने के लिए दिव्यांगों को दी जाती है, केवल वही लोग इसका लाभ लें। ऐसे विकलांगजन कोई भी इस पेंशन का लाभ ना ले जो गरीबी की रेखा के ऊपर या गरीबी की रेखा के आसपास है। ऐसा करने से जब आप पेंशन छोड़ेंगे तो वो बजट किसी दूसरे विकलांग को दिया जाएगा, किसी चौथे विकलांग को दिया जाएगा। आने वाले समय में जब हम और आप इस नेक नियति से काम करेंगे तो ये विकलांग बजट बढ़ के आज 1,000 हुआ है, कल को 4,000 5,000 भी हो सकता है। जी हाँ साथियों, एक कहानी आज के दौर में एक ऐसी कहानी लेके आया हूं कि जिस कहानी को अगर सुना जाए समझा जाए तो प्रायः गलती किसी की भी उस कहानी में दर्शाई जाए, लेकिन हम लोगों को सीखने की बात यह है कि यह गलती हम लोगों में से किसी की ना हो। जैसे इस कहानी के पात्र शुरू होते हैं रमेश बाबू। रमेश बाबू एक मध्यम वर्गीय, एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाले एक सीधे साधे पुरुष हैं। उनकी अर्धांगनी, उनकी जीवन सहभागिनी, उसका नाम है मालती। एक दिन रमेश बाबू अपने कार्यालय से लौट के तय समय से, जनरली जो वो 6 बजे आ जाते हैं वो 15 मिनट पहले आ गए। उन्होंने आते ही आते बहुत व्यस्त लहजे में बात की बैग रखते हुए, अरे मालती जल्दी एक कप चाय बना दो, मुझे माँ को लेने रेलवे स्टेशन जाना है। इतना सुनते ही उसकी अर्धांगिनी मालती भड़क गई। हाँ माँ को ले आओ, माँ को लाना बहुत जरूरी है, वैसे ही तुम्हारी इतनी कम तनख्वाह में घर की सारी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती, बच्चों की फीस और तुम्हारे पेट्रोल से ही फुर्सत नहीं मिलती है। आज कितने दिन हो गए मैंने एक साड़ी तक नहीं खरीदी। ये सुनकर रमेश बाबू चुपचाप बैठ गए। मालती बड़बड़ाती रही कि माँ को लाना जरूरी है, माँ के बिना तो तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी, तुम एक दुधमुहे बच्चे हो, गाँव में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे परिवार में ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बूढ़ी माँ को देख सके, सारे गांव का सारे खानदान का ठेका सिर्फ तुम्ही ने ले रखा है। ये बड़बड़ाते हुए मालती रमेश बाबू के लिए एक प्याला चाय लाई। रमेश बाबू ने कहा, हाथ पकड़ के मालती को अपने पास बैठा ला और कहा, देखो मालती ये बात सत्य है कि तुम लोग हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखने वाले हो। बंटू और बंटी ये दो हमारे बेटे हमारे जीवन का एकमात्र सहारा हैं, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, जिनके लिए हमें करने के लिए जीवन भर आपाधापी का जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि जब मैं 3 साल का था उस वक़्त पिताजी हम लोगों को छोड़कर चले गए, माँ ने उस दिन से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी भूखे पेट रात में रात गुजारी हो। हाँ मेरी तो नींद में उठ के 2 रोटी खाने की आदत थी, माँ ने शायद ही ऐसा कोई रात गई हो कि जिसमें हमको रात में 2 रोटी उठ के ना दी हो। क्या आज हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि हम अपनी उस माँ को भी भूल जाएं? नहीं मानती, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें ध्यान है बड़े भैया के खत्म होने के बाद माँ कितना टूट गई थी, एकमात्र उनका अब मैं ही तो सहारा हूं। आखिर वो अगर बीमार रहती हैं, उनको कोई परेशानी हो जाती है तो उनकी देखभाल कौन करेगा। मालती फिर गुस्से में बोली, हाँ हाँ तुम जाओ ले आओ, उनकी बीमारी यहाँ बच्चों में फैलाओ, हमको फैलाओ, मैं तो वैसे ही सांस की मरीज हूं। और ये कहते हुए मालती लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रमेश बाबू को गुस्सा आया, रमेश बाबू ने आधा पिया हुआ चाय का प्याला वहीं रखा और लगभग गुस्साते हुए लहजे में कहा, देखो मालती ये तुम्हारी बीमारी का बहाना अब नहीं चलने वाला, जब जब माँ आती है तब तब तुम बीमार हो जाती हो, या तो काम करने से मना कर देती हो या मैके चली जाती हो। मालती मैं सब समझता हूँ, मैंने सब चीज़ देखी। रमेश बाबू इतना गुस्सा थे
कि उनकी इस तेज आवाज से बंटू और बबली दोनों सहम के दरवाजे के पर्दे के पीछे हो गए। इतना सब कुछ कहानी चली रही थी कि उतने में रमेश बाबू ने क्या देखा कि दरवाजे पे उनकी अपनी माँ नहीं बल्कि मालती की माँ तारा देवी आ गई। अब ये देख करके मालती के होश फाकता, अरे ये मैंने क्या करा, ये तो माँ जी को लेने जा रहे हैं। मालती को देख करके तारा देवी भी रुआसी सी हो गई और उन्होंने रोते हुए अंदर घर में पहले प्रवेश किया और फिर कहा, रमेश बाबू ये मेरी बेटी तारा नहीं है, ये तो ये मेरी बेटी मालती नहीं है, हम तो वो मालती आपको दिए थे जो बहुत ही सीधी और सब पूरे परिवार को साथ लेके चलने वाली थी। मैंने दरवाजे के पीछे से सारे कहानी के पात्र सारी बातें आप लोगों की सुन ली हैं, समझ ली हैं। अगर मालती आपकी माँ की सेवा नहीं कर सकती तो भला ये बताइए मालती के भाई रोहित की पत्नी सुधा कैसे मेरी सेवा करेगी। साथियों ये कहानी है, ये उस परिवार की कहानी नहीं है कि जिसके पात्र केवल रमेश और मालती थे, ये कहानी है हमारे और आपके परिवार की। हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, हम लोगों को इस कहानी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें, खासकर हमारे वो वट वृक्ष, हमारे वृद्ध माता पिता, चाहे वो रिश्ते में किसी के भी सास ससुर लगते हों, किसी के भी माता पिता लगते हों, हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए। साथियों दिव्यांगम चैनल के माध्यम से मैं प्रवीण सिन्हा आप सभी साथियों से एक अपील करता हूँ कि ये पारिवारिक कहानी नहीं है, ये एक सास बहू की कहानी नहीं है, ये एक माँ बेटी की कहानी नहीं है, ये कहानी है परिवार के तमाम सदस्यों को, चाहे वो किसी भी झंडे के बैनर के तले आज अपना समाज सेवी का काम कर रहे हैं, उनको सबको एकजुट रख के एक साथ खड़ा करना हमारी प्राथमिकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ से निकल के आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मूल आधार क्या है और हम जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। साथियों इसी कहानी के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी के साथ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखें कि इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे बेहतरीन लगा। इसी बात के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, आप हमारे व्यूवर्स बढ़ाइए, हमारे वॉच टाइम को बढ़ाइए। अब देखना यह है कि हम 4000 से 5000, 5000 से 6000 दूने रफ्तार कितनी जल्दी और कितनी तेजी के साथ पकड़ते हैं। एक बार जाने से पहले उत्तर प्रदेश के, खासकर उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग साथियों को एक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि दिव्यांगम चैनल के माध्यम से, विकलांग साथी ट्रस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन दोगुनी करके 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी। इसमें सरकार के वो सभी पात्र उस सीढ़ी के साथ बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सीतापुर में 9 दिसंबर को, बीते 9 दिसंबर को एक बैठक की जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विकलांग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री अवध बिहारी मिश्रा उर्फ सोनू भाई जी, उनके सह संयोजक श्री संजय अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के अवध प्रांतीय अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी और उस कार्यक्रम में अपने किसी कार्यक्रम के कारण अनुपस्थित रहने वाले प्रदेश संयोजक डॉक्टर ओझा जी, सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने हमारी मांग को बहुत गंभीरता से लिया, समझा और उस पर कार्यवाही की। इसके साथ साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की है कि लगभग 1,00,000
मोटराइज तिपहिया साइकिल बहुत जल्दी इस महीने के दिसंबर माह के अंत तक हर जिले में बटेंगी। बस उसके लिए पात्रता 80% विकलांगता की होनी जरूरी है। ऐसे पात्र जिनकी 15,000 रुपए से महीने से कम की आमदनी है वो सभी पात्र इस मोटराइज्ड गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सरकार की इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से एक अपील कर रहा हूं कि सीतापुर जनपद उत्तर प्रदेश का मैं जिलाध्यक्ष आगामी 18 दिसंबर को सीतापुर जनपद के नेहरू हॉल में